गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने 14 क्वेश्चन किए थे, आज 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास 15 क्वेश्चन है। हमारे पास sin इनवर्स 5 अपॉन x प्लस sin इनवर्स 12 अपॉन x इक्वल्स टू 19। तो अपने को x की वैल्यू यहां पे फाइंड करनी है। तो अपन ने जो ये वाला है sin इनवर्स 12 अपॉन x, इसके अंदर परपेंडिकुलर है प्लस हाइपोटेन्यूज है x, तो बेस हो गया अपने पास हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 144। तो अब यहां पे इसको साइन को कॉस से चेंज करते हैं, sin इनवर्स 5 अपॉन x प्लस cos इनवर्स रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 144 अपॉन x इक्वल्स टू 19। अब अगर यहां पर ये sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू 19, ये अपन ने फार्मूला पढ़ा था। तो यहां पर ये जो रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 144 है, ये किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। तो 5 के इक्वल करके दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, तो यहां से रूट कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 25। 144 की साइड चेंज करें तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 144, दैट इज इक्वल टू 169। 169 का स्क्वायर रूट किया तो हो गया 13। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट sin इनवर्स 3/5 माइनस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू sin इनवर्स 16/65। ये अपने को प्रूव करना है। तो अपन सबसे पहले कौन से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारा sin इनवर्स 3/5 माइनस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू ये। अब अपन इसके अंदर क्या करते हैं, ये जो cos sin है इसको अपन किस में चेंज करेंगे, sin के अंदर चेंज। sin के अंदर इसे चेंज करने के वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो अपने पास न्यूमरेटर क्या है, यहां पे cos को क्या होता है बेस, तो बेस की वैल्यू हो गई 12, हाइपोटेन्यूज की हो गई 13। तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई, 5। तो sin इनवर्स 3/5 से चेंज आएगी माइनस इस cos को बदल दिया sin इनवर्स में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13। अब लगाएंगे sin इनवर्स x - sin इनवर्स y। sin इनवर्स x की वैल्यू 3/5 रूट ऑफ 1 माइनस 25 अपॉन 169 माइनस 5 अपॉन 13 रूट ऑफ 1 माइनस 9 अपॉन 21। अपने पास sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला अपन ने यहां पे अप्लाई किया, x की वैल्यू होगी 3/5 और y की वैल्यू होगी 5/13। तो इसके बेस पे अपन ने ये वाली चीज यहां पे लिख ली। क्लियर स्टूडेंट, 3/5 ऐसे ही आ गया, एलसीएम लेंगे 169 में से 25 को माइनस किया, 25 को माइनस करेंगे तो 144, तो रूट ऑफ 144 अपॉन 169 माइनस 5/100 ऐसे कैसे आ गया। इस पूरे को क्या एलसीएम किया, 25 में से 9 किया 16, तो रूट ऑफ 16 अपॉन 25, 144 का स्क्वायर रूट होता है 10, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। इसी तरीके से 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो अपने पास 35 करके तो 12 इज 36, 5 और 20 13 का इज 65, एलसीएम 65 आ गया, 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 हो गया 16। साइन इनवर्स 16 अपॉन 16, ये अपने को यहां पे प्रूव करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z is equals to 5, tan root of x plus y plus z is equals to x y z। तो इस तरह का क्वेश्चन अपन ने कर रखा है। तो गिवन किया अपने को tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z equals to 5, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x plus y plus z minus x y z upon 1 minus x y minus y z minus z x is equals to 5, tan पर दो तरफ अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे क्या आ जाएगा आपके पास, x plus y plus z minus x y z upon 1 minus x y minus y z minus z x is equals to 10 pi। अब 10 pi के अंदर को पता है वैल्यू कितनी होती है, 0, तो डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई में देखेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो न्यूमरेटर क्या आएगा आपके
y plus z minus x by z is equals to 0. x by z के साइड से चलेंगे तो क्या आ जाएगा x plus y plus z is equals to x by z. ये अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 upon 2 tan 2a plus tan इनवर्स 4a plus tan इनवर्स 4 2a is equals to 0. मतलब अपने को प्रूफ करना है इस पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. तो tan इनवर्स सबसे पहले अपने करेंगे tan 2a का फॉर्मूला. तो tan 2a का फॉर्मूला अपन ने लेवल क्लास में पढ़ा है. क्या होता है 2 tan a upon 1 minus tan square a. फिर यहां पे लगेंगे tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y. तो tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x plus y upon 1 minus x. तो cot a को cot 2 a से मल्टीप्लाई किया तो cot की पावर 4 a ऊपर हो गया cot a plus cot 2 a. यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो tan इनवर्स tan a upon 1 minus tan स्क्वायर a plus tan इनवर्स. न्यूमरेटर में से cot a कॉमन आ गया तो पीछे रह गया 1 plus cot स्क्वायर a. डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 minus cot स्क्वायर a into 1 plus cot स्क्वायर a. 1 plus cot square a से 1 plus cot square a cancel. तो cot a upon 1 minus cot square a. cot वाले पद को tan में चेंज किया तो यहां पे हो गया 1 upon tan whole upon 1 minus 1 upon tan square a. tan square a एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर में ऊपर गया tan से tan a कैंसिल हो गया पीछे क्या रह गया केवल tan a. नीचे हो गया tan square a minus 1 minus नीचे से कॉमन लेंगे. we know that tan inverse minus x माइनस tan इनवर्स है तो माइनस यहां पे क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा तो माइनस tan इनवर्स tan a / 1 माइनस tan स्क्वायर a. तो tan इनवर्स tan a / 1 माइनस tan स्क्वायर a से क्या होगा, नीचे हो गई कैंसिल हो गई इसलिए क्या आ गया आपके पास 0. ये हमको क्या करना था यहां पे प्रूफ करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ दैट tan इनवर्स x = tan इनवर्स cos tan इनवर्स x - tan cos इनवर्स. तो सबसे पहले अपन ने लिखी यहां पे सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में. तो राइट हैंड साइड हो जाएगी अपने पास tan 2 tan इनवर्स cos tan इनवर्स x minus tan cot इनवर्स x. तो ये जो tan इनवर्स x है इसको अपन किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले cos में चेंज करेंगे. कैसे, tan इनवर्स है तो परपेंडिकुलर हो गया x, बेस हो गया 1, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर. सेम ऐसे कैसे यहां पे cot inverse, cot inverse तो बेस क्या हो गया x, परपेंडिकुलर 1 तो हाइपोटेन्यूज होगी रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर. सबको चेंज कर देते हैं तो 2 tan inverse से क्या cos है, इसको लिखेंगे cos inverse क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज के लिए रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू x, तो रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x माइनस tan cot को चेंज किया tan inverse 1 अपॉन x. अब यहां पे लगाएंगे अपन cos x cos inverse कैंसिल हो गया तो root of 1 plus x square upon x minus tan tan inverse कैंसिल हो गया तो 1 upon x. LCM लिया तो वो आ गया x root of 1 plus x square minus 1. अब यहां पे फार्मूला है लेंगे 2 tan inverse x का. तो 2 tan inverse x का फार्मूला क्या हो गया अपने पास, tan inverse 2x upon 1 minus x square. तो tan inverse 2 ये पूरा x upon 1 minus x square. तो एलसीएम लिया है एंड डिनोमिनेटर में तो आ गया x स्क्वायर, ये x स्क्वायर ये x कैंसिल हो गया तो पीछे क्या रह गया अपने पास x, तो 2x रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 में एलसीएम यहां पे आ गया x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो 1 प्लस x का रूट कैंसिल हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 2 रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 और 1 2 हो गया, 2 कॉमन आ गया तो रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1. इस रूट से ये वाला 2 कैंसिल हो गया रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 से रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया. पीछे हमने क्या रह गया x, हमारे पास रह गया tan इनवर्स. ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, if phi is equals to tan inverse x root 3 upon 2k minus x and theta is equals to 2x minus k upon k root 3 and phi minus theta is equals to 30 degree then find the value of x. तो अपन ने phi की वैल्यू होगी tan inverse x root 3 upon 2k minus x minus tan inverse 2x minus k
upon k root 3 is equals to 30 degree. tan inverse x minus tan inverse y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो कि क्या हो गया tan inverse x minus y upon 1 minus sorry 1 plus x y. तो यहां पे आ जाएगा 1 plus x y, तो ये भी हो जाएगा अपने पास प्लस, ये हो गया प्लस. चलो आगे क्या देखते हैं. हाँ यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एलसीएम लेंगे तो 2k माइनस x इनटू k रूट 3, 2k माइनस x इनटू k रूट 3, तो ये हो गया x रूट 3 इनटू k रूट 3 माइनस 2x माइनस k 2k माइनस x अपॉन 2k माइनस x k रूट 3 प्लस x रूट 3 2x माइनस k. अब इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा x रूट 3 2 रूट 3 kx माइनस 2 टू द 4 kx माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर माइनस kx अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 k स्क्वायर माइनस रूट 3 kx. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2 रूट 3 x स्क्वायर माइनस रूट 3 kx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट. तो यहां पर हो गया हमारे पास 3, तो ये हो गया 2 x स्क्वायर प्लस 2 k स्क्वायर. 4 और 1 5 5 3 करेंगे तो 2 रहेगा माइनस 2 kx अपॉन सब में से 2 3 कॉमन आ गया तो पीछे क्या रहेगा 2 k स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 2 kx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया. अपने पास आ गया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2 k x ये चीज इससे क्या हो गई पूरी कैंसिल हो गई तो 1 इज इक्वल टू 1. तो अपने पास 2 हो गया कि 5 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री है. क्लियर स्टूडेंट्स, यही अपने को यहाँ पे प्रूव करना है. ओके थैंक यू, बाकी के नेक्स्ट वीडियो.